आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1। अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे नई नई अनोखी भक्ति की खबरें सुनने को मिल रही है। ये कहानी है राम भक्त शबनम शेख की, जो हाथ में भगवा ध्वज और मुंह पर जय श्री राम के नारे लगाती हुई मुंबई से अयोध्या तक पैदल यात्रा कर रही हैं। शबनम बोली, राम केवल हिंदुओं के नहीं है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए अपने दो साथियों के साथ पैदल यात्रा पर निकली शबनम इन दिनों खूब चर्चा में है। कहते हैं, अगर मन में आस्था और विश्वास हो तो इंसान धर्म जाति कुछ नहीं देखता, बस भगवान की सेवा में लग जाता है। मुंबई के रहने वाली एक युवा मुस्लिम शबनम ने सौहार्द की ऐसी इबारत लिखी है जो लोगों के लिए एकता की मिसाल बन गई है। शबनम इन दिनों खूब चर्चा में है। खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली शबनम का हिंदू धर्म के प्रति झुकाव और भगवान श्री राम के लिए श्रद्धा के चलते मुंबई से चलकर अयोध्या रामलला के दर्शन करने को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए शबनम ने कहा, उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है। शबनम ने कहा, इस पदयात्रा के जरिए वो लोगों को एक संदेश भी देना चाहती है कि महिलाएं भी पदयात्रा कर सकती हैं। शबनम ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कई जगह लोग उनके स्वागत में खड़े रहते हैं और ज्यादा भीड़ होने पर उन्हें पुलिस सुरक्षित निकाल लेती है। तो हमेशा से यही बोलते आ रही हूँ कि प्रभु श्री राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, नेक दिल इंसान होना जरूरी है। प्रभु श्री राम जी तो सबके हैं, पूरे भारत के। भारत में जो बच्चा बच्चा है ना, सबके। एक गाना भी है ना, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो वो अभी टाइम आ गया है, क्योंकि हर कोई जय श्री राम बोलता है और बोल भी रहा है। रास्ते में भी हमें मुस्लिम लोग मिले, वो सबके साथ हमारे साथ नारा लगा रहे जय श्री राम का, और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। ग्राउंड लेवल पे तो हमें कुछ और ही देखने मिल रहा है। नो हेट, नथिंग, सब लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, साथ में नारे लगा रहे, हमारा स्वागत कर रहे, सत्कार कर रहे, और क्या चाहिए। शबनम की पदयात्रा को लेकर उनके धर्म के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति भी जताई। हालांकि शबनम को इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि रास्ते में अब तक उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग मिले हैं, जिन्हें देखकर उन्हें सलाम करने के साथ साथ जय श्री राम भी उन्होंने कहा। इसके अलावा कई दाढ़ी वाले और कुर्ता पजामा पहने हुए लोग भी मिले, जिन्हें देखकर सलाम करने के साथ साथ जय श्री राम कहकर संबोधित किया। शबनम की पदयात्रा को लेकर उनके धर्म के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति भी जताई है। हालांकि शबनम को इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि रास्ते में अब तक उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग मिले हैं, जिन्हें देखकर उन्हें सलाम करने के साथ साथ जय श्री राम भी कहा। इसके अलावा कई दाढ़ी वाले और कुर्ता पजामा पहने हुए लोग भी मिले, जिन्हें देखकर सलाम करने के साथ साथ जय श्री राम कहकर संबोधित किया। शबनम ने मीडिया से कहा कि श्री राम की भक्ति के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, भगवान राम सबके हैं और उनको पूजने के लिए इंसान का मन का साफ होना जरूरी है। राम केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे संसार के हैं। शबनम को उनकी अयोध्या तक पदयात्रा के लिए पुलिस सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। श्री राम की भक्ति में डूबी मुस्लिम लड़की शबनम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और श्री राम मंदिर उद्घाटन अयोध्या से जुड़ी हुई ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।